Hello and welcome to our YouTube channel Completion Community. I am Ajit Kumar, Faculty of English Language. In today's video session, we will discuss and we will have a glimpse of last video session and then we will start learning any topic. But before starting learning any topic, we must have some fundamentals. So, aaj ke is video session mein hum log kisi topic ko padhna shuru karenge. किसी टॉपिक को शुरू करने के पहले लास्ट वीडियो सेशन के एक ग्लिम्स को हम लोग देखेंगे, इन अ ब्रीफ देखेंगे और किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले उस लैंग्वेज का, उस सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चूंकि हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो हम लोग इंग्लिश के फंडामेंटल को देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल को देखने के पहले, किसी टॉपिक को शुरू करने के पहले आइए हम लोग लास्ट क्लास के एक व्यू को देखते हैं, ग्लिम्प्स को देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंग्लिश को सामान्य तौर पे हम लोग इन तीन टाइप में बांट के, इन तीन क्राइटेरिया में, इन तीन टाइप्स में बांट के हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश को हम लोग तीन पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर दूसरा पार्ट होता है आपका वोकैबुलरी और फिर देन हम लोग बात करते हैं ग्रामर की। बट लास्ट सेशन के एंडिंग में हमने आपको बताया था, या एंडिंग के जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि आपके एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में ये चार टाइप के क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट तो होता ही है, वोकैब का पार्ट तो होता ही है, ग्रामर का पार्ट तो होता ही है, ये तीन पार्ट तो रहते हैं। एक मिसलेनियस का सेक्शन बनते हैं। मिसलेनियस में हमने आपको बताया था कि मिसलेनियस में हम फिलर की बात करते हैं, हम फिलर को रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, आज रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो मिसलेनियस सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें उसका जो सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करते समय आप देखेंगे कई बार वो केवल ग्रामर के अप्रोच से बन जाता है, कई बार वो केवल वोकैब के अप्रोच से बनता है और कई बार एक से ज्यादा सेक्शंस का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हमने इनको मिसलेनियस सेक्शन रखा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से आगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, कॉम्प्रिहेंशन को तीन पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है पैसेज का, दूसरा क्लोज टेंस का और तीसरा होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, या जिसको हम लोग पैराग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं पैराग्राम्स को, रीअरेंजमेंट को पीक्यूआरएस के नाम से भी यूज कर लिया करते हैं। तो इन तीन सेशन का होता है और आपके एग्जाम में, आपके सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में पैसेज से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। क्लोज टेंस से हर साल 5 क्वेश्चन मिलते हैं, रीअरेंजमेंट से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो गैप को ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड करके आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पांचों ही सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। ओडब्ल्यूएस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, और फिर धीरे से आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर इसमें तो टेंस दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन टैग नहीं दिख रहा है, नरेशन वॉइस नहीं दिख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है, ये सब कहां चलेंगे। आप में से कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर ये एडजेक्टिव में आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है भाई। आर्टिकल या आर्टिकल निगेटिव जिसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वो दरअसल एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। ठीक है, और वो एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग वहां पे पढ़ा करते हैं या अलग से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दरअसल उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल या डिटर्मिनर इंग्लिश ग्रामर का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि ये इसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन द सेम वे हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, ये कुछ अलग से नहीं पढ़ने हैं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो रिमूव टू का पार्ट पढ़ते हैं, हमारे आपके बुक्स में एक अलग से चैप्टर मिलता है रिमूव टू, वो कोई अलग सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बल्कि वो एडवर्ब का पार्ट। ठीक है, बाकी समझ में आ रही है। फ्रेजल वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि वो प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब के कई पार्ट होते हैं और वर्ब पूरे ही इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन के लिए हम लोग बात करें तो वर्ब का रोल सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं, फिर प्रीपोजिशन से मिलते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिलते हैं और फिर टेंस से मिलते हैं।
आपके एसएससी एग्जाम के लिए हम बात करें तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है चाहे वो 25 क्वेश्चन का पेपर हो या 50 क्वेश्चन का पेपर हो या 100 क्वेश्चन का पेपर हो, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं ना कि सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाए, पहले जब ऑफलाइन आपका पेपर हुआ करता था 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा एसएससी बोर्ड का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो और उसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़े, टेंस से क्वेश्चन दिखाई ना पड़े, सब्जेक्ट ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन दिखाई ना पड़े। तो चलते हम लोग अगले स्लाइड में, देखिए ये जो हमारा वर्ब का सेक्शन है इसी में हम लोग को पढ़ना होता है टेंस, सब्जेक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, क्वेश्चन टाइप, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नरेशन, वॉइस, इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। ये सब किसके पार्ट है? वर्ब के पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे, ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको सीखना होगा फंडामेंटल्स, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले ग्रामर को सीखने के पहले, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले हमारे आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, सर लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो हम लोग लैंग्वेज के डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है भाई, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं अपने मन या हृदय की बात को अभिव्यक्त करने के माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज, या लैंग्वेज की जगह प्रोनाउन इट का यूज कर सकते हैं, इट इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, ठीक है। तो अपने मन या हृदय की बात को, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए जिस मीडियम का प्रयोग किया जाता है वो मीडियम कहलाता है भाषा, ठीक है, वो माध्यम कहलाता है भाषा। अब किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं उस लैंग्वेज का अल्फाबेट, ठीक है, जिसमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं, और उन अल्फाबेट्स के कुछ सेक्शंस को निकाल लिया जाए, उसके कुछ पार्ट को यदि निकाल लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं लेटर, ठीक है। अब बारी आती है वर्ड की, चूंकि हम लोगों ने आपको पहले से प्रॉमिस किया है कि हम लोग आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेके चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, और इसका ग्लिम्प्स आपको आज के क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो आज के क्लास को जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, आप इसको हल्के में न लें, आगे चल के आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो फंडामेंटल है, वहीं पे आपको वहीं से शुरुआत से ही आपको एक नए प्रकार का चीज, नया प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, वहां पे वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। एग्जाम तो आपका क्रैक होगा ही, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी ये आपका मील का पत्थर साबित होगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके बीच ये होगा, ठीक है। तो इनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्फाबेट और लेटर्स के बाद वर्ड की बात करते हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज वर्ड, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में क्या होता है भाई, इसके हम लोग चर्चा करें। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैव ए कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज वर्ड, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसको हम लोग कहते हैं वर्ड, ठीक है। जैसे आप रीजनिंग बनाते होंगे तो रीजनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलते हैं, इस टाइप से मिलते हैं। अब आप देखिए ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट ये मीनिंग नहीं दे रहा, ये मीनिंगफुल नहीं, इसलिए इसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ड नहीं कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड सिर्फ उसी को कहा जाता है जो अक्षरों का समूह तो हो लेकिन वो एक सार्थक मीनिंग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वर्ड के बाद चलते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ, व्हाट इज सेंटेंस, वो वाक्य क्या है। तो फिर हम लोगों का आंसर आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं। जैसे आप देखें ये एप्पल है, आप ये सब बचपन से पढ़ते रहे, एप्पल है, बैट है, बॉल है, क्रिकेट है, कप है, जग है, कुछ भी, आप ऐसे दो चार शब्दों को एक साथ लिख दीजिए, क्या वो सेंटेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सेंटेंस है ही नहीं,
ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब जरा आप देखिए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, एप्पल, कैट, क्रिकेट, बॉल, जब कुछ भी हम लिख दें, जेब्रा हम कुछ भी लिख दें, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो जाएंगे एक साथ आने के कारण, बट ये कोई मीनिंग नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको हम लोग सेंटेंस नहीं कहते। तो फिर वही बात है जो वर्ड वाली बात थी, वही सेंटेंस में भी कंडीशन अप्लाई होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव ए कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित मीनिंग दे, निश्चित अर्थ दे, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां तक था हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन। ये सारी बातें हम बचपन से जानते हैं, पहले से जानते हैं। अब जैसे ही बात आती है सेंटेंस की, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है, सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है भाई, तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और यहीं से आपका कंफ्यूजन शुरू होता है। तो अब हम ले चलते हैं आपको आपके कंफ्यूजन के सेक्शन की तरफ, और यहीं से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। देखिए जैसे चर्चा होती है सेंटेंस की, हमारे दिमाग में एक तस्वीर आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, इसमें आपको कहां कहां से कंफ्यूजन होना शुरू होता है, हम थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ज्यादा आपके वर्ब का सेक्शन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है, और पूरे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ द स्पीच में सबसे बड़ा रोल इसका होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक चैप्टर होता है ग्रामर में, जिसको हम लोगों को पढ़ना होता है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे इस पार्ट में आपको दिक्कत होता है। दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि आपको इसको पकड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, आप इसको ठीक से नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए आपको दिक्कत होता है। और फिर कई बार तो ये भी आपको परेशान कर जाता है, जब आप एक्टिव पैसिव में जाते हैं, दैट इज आप वॉइस के सेक्शन में जाते हैं, आपको कई बार ये सेक्शन परेशान कर जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो काफी ध्यान से इसको सुनने का, सीखने का, समझने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लाइफ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या रीडिंग का सेक्शन आपके लाइफ में आज हो, कल हो, पहले भी आया हो, फ्यूचर में भी आएगा, इन सारे ही सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ऐसा फिगर हमारे दिमाग में आता है सेंटेंस सुन के, हम लोगों को लगता है हाँ सब्जेक्ट तो हम जानते ही हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वही डूअर, हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं कि काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। वर्ब क्या होता है भाई, तो आपके दिमाग में आता है कि जो एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं, वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए, उसी को वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं भाई, तो किसी काम से जो प्रभावित होता है या कर्ता के काम से जो प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग सामान्य तौर पर ऐसा ही जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट रहे हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, आपका एकेडमिक जो सेशन रहा है वो, या उसका जो मीडियम है वो चाहे इंग्लिश में रहा हो या हिंदी में रहा हो, दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसको यदि आप मिस कर जाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कहाँ कहाँ पे? तो पूरे वर्ब से रिलेटेड सेक्शन में। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जो दिखाया था वर्ब का सेक्शन, उन सारे ही सेक्शंस में, दैट इज टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्वेश्चन टैग हो, इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल, इन सभी जगहों पे आपको इस क्लास को, यानी कि आज का जो सेशन हमारा चल रहा है, इसको मिस करने से कठिनाई होगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको काफी इंपॉर्टेंस देके, पूरे तत्परता के साथ, पूरे अटेंशन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखने समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान से सेक्शन, इसी वर्ब के सेक्शन से, जिसमें वर्ब का डेफिनेशन इंक्लूड होता है, और ये जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, यहाँ भी आपको कई कंफ्यूजन है, तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम लोग अपना क्लास यहीं से शुरू करेंगे, और हमारे क्लास की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम यदि वर्ब की बात करें तो वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, हमारे आपके दिमाग में ये बात आती है कि क्रिया किसको कहते हैं भाई, तो वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए। इंग्लिश मीडियम में हम लोग इसी को पढ़ते हैं, एक्शन इंडिकेटिंग व्हाट इज नोन एज वर्ब। ठीक है, अब ये सारे काम झाम छोड़िए, अब आप स्कूल में नहीं है, एकेडमिक मीडियम से बाहर निकल चुके, अब आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएट होने का मतलब है कि आपका माइंड का जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए पहले से। तो ग्रेजुएट को ग्रेजुएट की तरह सोचना चाहिए, स्नातक स्नातकोत्तर जो बच्चे हैं उनका मेंटल एबिलिटी एकेडमिक सेशन से बाहर आता है और मेंटल एबिलिटी उनकी मैच्योर हो चुकी होती है। तो मैच्योर जो आपका माइंड हो चुका है उसकी क्वालिटी अब आप में दिखनी चाहिए, क्योंकि अब आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, सीधा एप्लीकेशन पूछा जाता है। यदि आपको एप्लीकेशन आता है, आप उस पर काम करना जानते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। यदि आता है आपको सॉल्व करना, आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, और यदि आपको पूरी रणनीति नहीं आती तो आप एग्जाम से सीधा बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको हम अपनी भाषा में समझाना शुरू करते हैं। हिंदी का कोई भी मूलभूत शब्द, बेसिक शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो उसको हम लोग कहेंगे वर्ब। ठीक है, हिंदी से समझना और समझाना हम शुरू करते हैं, जैसे पढ़ना लिखना गाना रोना हंसना खेलना जीना मरना वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि और हम लोगों के साथ कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन है। तो अब इसके बाद हम सब में से ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं भाई, तो वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं। यदि आप कभी कहीं किसी स्पोकन वाले के यहाँ जाते हैं या कहीं और भी, कई बार आपको चीजें बताई जाती है कि देखो 3 ही फॉर्म होते हैं, चौथा फॉर्म तो होता ही नहीं। अब इस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं आपके बीच। सबसे पहले हम लोग नाम से इसका शुरुआत करते हैं, नाम को रिलेट करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। नाउन देखिए बाय वर्ब कैसा होता है, तो सामान्य तौर पर नाउन बाय वर्ब होता है सिंगुलर, ये बातें हम सब जानते हैं। कैसा होता है तो ये सिंगुलर, और नाउन में सामान्य तौर पे एस या ई एस ऐड करके इसको हम लोग क्या बताते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं हम लोग, क्लियर है, कंफर्म है। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम बॉय का, तो बॉय में यदि हम एस ऐड कर दिए तो यहाँ क्या बन गया, बॉयज बन गया। अब देखिए हम लोग को जो सिखाया गया कि वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्म होते हैं, 3 के अलावा आज तक कोई फॉर्म आया ही नहीं है, वहीं पे धीरे से हम लोग को बताया जाता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, और यदि प्रेजेंट इंडिफरेंट की बात करें यानी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाकर हम यूज करते हैं। अब देखिए इन्हीं सारे मिथ को, इन्हीं सारे कंफ्यूजन को हम यहाँ दूर करने के लिए आपके बीच आए हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। ये बॉय क्या था, तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है कि बॉय क्या था भाई, इसका पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या था, तो ये नाम था। ये बॉयज क्या है, ये भी नाउन है। अब जरा देखिए एक नाउन में एस ये शब्द लगाया तो दूसरा मिला क्या हमें, नाउन ही मिला, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर और इसी को हम लोग कहते हैं प्लूरल। ये बातें समझ में आ रही है, ये सिंगुलर और ये कहलाता है प्लूरल। इन द सेम वे जो वर्ब होता है, तो कोई भी वर्ब के लिए जैसे एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इट का, तो कोई भी वर्ब हो, वर्ब के लास्ट में यदि हम लोग एस ई एस ऐड करते हैं, इस वर्ब में हम लोग यदि एस ई एस ऐड करें, वर्ब में भी एस ई एस ऐड होता है, तो ये क्या बनेगा, इट्स बनेगा। अब सबसे पहले ये इट क्या था, तो भाई ये वर्ब था, ये इट्स क्या है, तो ये भी एक सिमिलरिटी दिख रही है आपको, बॉय बॉयज इट इट्स दिख रहा है। अब नाउन बाय वर्ब होता है सिंगुलर, इन द सेम वे ये जो वर्ब होते हैं ये बाय वर्ब होते हैं प्लूरल, ऐसे होते हैं, ये होते हैं प्लूरल। ठीक है, और वर्ब में एस एस लगा के हम लोग इसी को बनाते हैं सिंगुलर। आप इनको समझिए, आप इनको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से आपके बहुत सारे फ्यूचर के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और हो जाएंगे, और फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बनाते समय आपको जो समस्या आएगी
उन सभी समस्याओं का निदान यही करेगा। ठीक है, तो ये बहुत दूर की कड़ी है और ये बहुत दूर तक आपकी हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम के कंफ्यूजन, यहां तक कि आपके कई एग्जाम्स में जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, आपके सीएसएल में भी डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, वहां पे भी ये आपकी मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और फिर भी हम केवल समझा सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है किसी भी हिंदी क्रिया का जो इंग्लिश फॉर्म होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को कुछ बुक में देखेंगे तो 2+V1 के रूप में लिखा गया होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के जब इसको हम लोग प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो अब आप ये जान लीजिए कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यदि हम लोग छोड़ दें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ के बाकी जितने वर्ब हैं वो वर्ब सिर्फ इसीलिए हैं, इसी कारण से हैं कि उनके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक काम का करने वाला होता है, एक एक्शन डूइंग होता है, एक्शन इंडिकेटिंग होता है, और दूसरा वो केवल थिंकिंग होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, सेंसेशनल होता है, फीलिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, वो कोई काम नहीं करता, इस बात को आप ठीक से समझिए। आगे के उस सेक्शन में जब हम उसको डील करेंगे तब हम इस क्लास के फिर से आपको याद दिलाएंगे, हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेटेड होकर सीरीज में चलती है, चाहे वो सब्जेक्ट आप मैथ का पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश का पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी चीजें जैसे इतिहास वगैरह आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वहां भी सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लेकिन होता क्या है कि यदि आपका मैथ ठीक है, यदि मान लीजिए आपका हिस्ट्री अच्छा है, तो हिस्ट्री के कुछ सेक्शन आपके काफी अच्छे होंगे, उसमें उन सेक्शन को यदि आप छोड़ देते तो भी आप आगे इसीलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सामान्य तौर पे हम लोगों का इंग्लिश वीक होता है, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनकी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ के आते हैं उनके भी कई कन्फ्यूजन होते हैं, जो ऐसे ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं तो उनके लिए भी ये काफी यूजफुल है। इन द सेम वे ये जो इट है, अब इसका थोड़ा कलर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये जो आपको इट दिखाई देता है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यदि हम लोग आई एन जी लगाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, तो हमें यहाँ मिलता है इटिंग। तो ये क्या था, ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब इसमें आई एन जी लग जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब तक आप जो ये पढ़ते आ रहे थे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाकर हम लोग इसका यूज किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे वह खेल रहा है, he is playing, and so on। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और फंडामेंटल चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ये जो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी और आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करती हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इट का, जिसको अभी हमने लिया था। ये इट क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म तो एक होता है, ये आप सभी बच्चों को पहले से पता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इटिंग होता है। यहाँ तक आपने से शायद ही किसी को कोई समस्या होती है। अब इसके आगे इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है भाई, तो इटिंग होता है। ये क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म। और फिर ये इट्स, ये क्या है, तो ये वर्ब का। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। अब इनके फीचर को हम लोग सीखे, इनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनके टेंस की। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के टेंस की बात करें तो इनका टेंस होता है प्रेजेंट। इनका टेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसके टेंस की बात करें तो इसका टेंस होता है पास्ट। ठीक है, अब ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, इनका अपना कोई टेंस नहीं होता, इसलिए इनका टेंस होता है प्रेजेंट
पास्ट फ्यूचर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे हो रहे हैं। अब चूंकि इनका अपना कोई टेंस नहीं होता, इसलिए इन थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के इन दोनों ही फॉर्म का यूज हम लोग सामान्य तौर पे वर्ब के किसी भी टेंस में करते हैं, ठीक है। अब इस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो इसका भी टेंस होता है प्रेजेंट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में, थर्ड और फोर्थ का अपना कहीं कोई टेंस नहीं होता। अब नंबर की बात करते हैं तो अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वर्ब जो है वो बाय बर्थ कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये कैसा होता है, बाय बर्थ होता है, प्लूरल। और इसका यूज भी करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के लिए हम एस यू बी जे लिख रहे हैं, एस यू बी एस यू बी जे, ठीक है। इसका यूज भी करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इनके नंबर की बात करते हैं, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है, इनका नंबर क्या होता है भाई, तो इनका अपना कोई नंबर नहीं है, इसलिए इनका यूज सामान्य तौर पे या सिंपली हम कहें किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से वर्ब के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, मतलब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इन तीनों ही फॉर्म का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वैसे ही होता है जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ ये सही माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो इसका नंबर होता है सिंगुलर। कैसा होता है ये होता है सिंगुलर, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब बाय वर्ब होता है प्लूरल, और वर्ब में एस एस ऐड करके उसको हम लोग बनाते हैं सिंगुलर। तो नाउन बाय वर्ब जनरली होता है सिंगुलर, नाउन के लास्ट में एस एस ऐड करके हम लोग उसको बनाते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब के लास्ट में एस एस ऐड करके उसको बनाते हैं सिंगुलर। तो यदि नाउन में एस एस लगा हो तो वर्ब में एस एस नहीं लगता है प्रेजेंट में, और नाउन में यदि एस एस नहीं लगा हो, नाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब में एस एस लगा के हम लोग यूज करते हैं। तो इनका नंबर होता है सिंगुलर, और इनका यूज भी करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बात समझ में आई, जैसे ये एक एग्जाम्पल भी ले लिया हम लोग बॉय या ही, तो इन दोनों के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट में प्लीज। लेकिन यदि पास्ट में हमें बात करनी हो तो चाहे ही लिखिए, बॉय लिखिए, दे लिखिए, कुछ भी लिखिए, जैसे दे के साथ हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, तो प्रेजेंट में यूज करते हम लोग प्ले। लेकिन यदि पास्ट की बात करनी हो तो पास्ट में चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे या प्लूरल सब्जेक्ट लिखे, हम एक ही लाइन में यूज कर लेंगे प्लेट। तो बॉय हो तो भी प्लेट, ही हो तो भी प्लेट, दे हो तो भी, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहां तक तो बात हो गई हमारे वर्ब की। अब वर्ब के बाद हम लोग यहां से आगे निकलते हैं, और अब चलते हैं हम लोग फिर से इस फॉर्मेट में कि जैसे ही सेंटेंस का नाम सुनते हैं ये फॉर्मेट हमें दिखाई देता है, इसमें से वर्ब के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। अब बारी है कि इस सब्जेक्ट को सीखें और इस ऑब्जेक्ट को सीखें, ठीक है। तो फिर वही बात, आप में से कई बच्चों को लगेगा ये तो फंडामेंटल है, ये तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन आप कितना जानते हैं और कितने टाइप के कंफ्यूजन फ्यूचर में आपको होते हैं, या आप जब भी कभी रीडिंग डाले हो पहले भी, तो भी आपके साथ कई ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आज का ये जो हमारा क्लास है वो सॉल्व करेगा, दूर कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आप इसको सीरियस होकर पूरे गंभीरता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सीखें। देखिए, जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है तो आपके मन में कई चीजें आनी चाहिए, और आप में से कई बच्चों के साथ इन्हीं में से कई प्रकार के डाउट आए हुए हैं, इन्हीं में से कई समस्याएं आप में से कई बच्चों के साथ होती है, दिखाई पड़ती है, पहले भी हुई होगी, और यदि इसको ठीक से आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे भी होगा, ठीक है, होता रहेगा इग्नोरेंस के कारण। तो अब इसको जरा हम लोग ठीक से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन तो आप बचपन से जानते हैं, डुअल सब्जेक्ट।
दूसरा कि इसका प्लेस क्या होता है, फिर कि इसका कोई ट्रिक है क्या सर पहचानने का, और यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बहुत यदि आप पे को भी सर पहचान पाते हैं, वर्ब को थोड़ा बहुत भी पहचान पाते हैं, तो फिर आपके मन में, या आप जब बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस पे तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई होती हुई दिखाई पड़ती है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा सेंटेंस आपको दिखाई पड़ता है, लाइक जैसे द हिंदू या और भी जो न्यूज पेपर्स हैं, देसी हो या विदेशी हो, ठीक है, आप यदि कभी उनको पढ़ते हैं तो कई बार उनके एडिटोरियल के सेक्शन में आपको 3 लाइन 4 लाइन, कई बार तो 5-6 लाइन के एक ही सेंटेंस मिलते हैं। मतलब सेंटेंस जहां से शुरू होता है उसके फुल स्टॉप के बीच में उसका 5 लाइन, समझ रहे हैं कितना बड़ा सा सेंटेंस हो जाता है। और उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट क्या है, या उस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के क्वेश्चन में आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सब्जेक्ट वहां आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी चीजों को आप सीख सकते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो फिर आपके मन में जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। ऐसे कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं आपके दिमाग में जब आपको इस तरीके का डिफिकल्टी फेस करने को मिलता है। तो इन सारे डिफिकल्टी का आंसर आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए देखें हम लोग इसमें क्या है। अब यहाँ से डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कि हम लोग को डेफिनेशन में क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को बचपन से जो सीखने को मिला हिंदी मीडियम में वो मिला कि काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इसी को हम लोगों ने पढ़ा, डूअर इज सब्जेक्ट, ठीक है, बातें दोनों एक ही है। थोड़ा और बड़े हुए तो थोड़ा सा और हम लोग इम्प्रूव किए। हाई स्कूल तक आते आते हम लोगों ने ये सीखा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में तो सिखाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो आपको जो इंग्लिश पढ़ना होता है वो मिडिल स्कूल के बाद ही होता है, यानी करीब करीब समझिए मिडिल और हाई का जो कम्बिनेशन है, कई बार हाई में और कई बार उस क्लास में जब मिडिल आपका खत्म हो रहा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, सीखते हैं। दूसरा हम लोग को ये सिखाया गया स्कूल में, थोड़ा हाई स्कूल में बड़े हुए तो हम लोग को ये सिखाया गया, द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग which is discussed in a sentence is known as subject। मतलब हम लोग को यह सिखाया गया कि वो व्यक्ति या वस्तु जिसके वाक्य में चर्चा की जाती है या की गई हो उसको हम लोग कहते हैं subject, ठीक है। अब जैसे दोनों का एक एक example हम लेते हैं और example के माध्यम से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एक example हम लोग लेते हैं राधा, राधा who is famous as a devotee of Lord Krishna, used to sing songs in the praise of her God, ठीक है। एक सेंटेंस, दूसरा एक एग्जांपल, द फ्लावर पॉट which is on the table is very attractive अब जरा पेन का कलर हम चेंज करें ताकि आपको आसानी से डिस्क्राइब कर सके, समझा सके। यहाँ पे देखिए कई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये राधा क्या है, नाउन। ये फ्लावर पॉट क्या है, नाउन। अब नाउन में कई प्रकार के होते हैं, जो हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग सीखेंगे। एक होता है सिंगल नाउन, एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे क्लासमेट,
जैसे आर्म चेयर, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें आप पढ़ते हैं, ऑन लुकर, पासर बाई, हाईवे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड नाउन, बट ये कंपाउंड नाउन है नहीं, ये पूरा कंपोजिट है एक साथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये नाम। अब यहीं पे आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे अशोका द ग्रेट, ऐसा आपने पढ़ा है। तो अशोका जो था वो तो नाउन था, लेकिन उसके बाद जो द ग्रेट पढ़ते हैं, ग्रेट दरअसल होता क्या है, तो वो दरअसल होता है एडजेक्टिव, बट चूंकि वो आर्टिकल के बाद वहां पे यूज किया गया, इसलिए वो काम कर रहा है वहां पे नाउन का। अब अशोका के बाद जो हम लोग द ग्रेट लिखते हैं, उस द ग्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाउन इन ए पोजिशन नाउन, यानी अशोक का वो इंफॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है, उसकी अच्छाई या बुराई बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं एक नाम जब दूसरे नाम की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो उस विशेषता बताने वाले नाम या इंफॉर्मेशन देने वाले नाम को हम लोग कहते हैं ए पोजिशन। उसी को बुक के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ए पॉजिटिव यूज ऑफ नाउन, या बोलचाल की भाषा में हम लोग ए पॉजिटिव के नाम से, ठीक है। तो हम ब्रोकन लैंग्वेज में बात करते हैं, किताबी भाषा से थोड़ा बाहर निकलते हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। उसी को बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। जैसे यहाँ देखिए ये जो हु है, हु से लेकर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण यहाँ तक, ये पूरा राधा की विशेषता बता रहे, राधा जो फेमस है कृष्ण के एक भक्त के रूप में, ठीक है। तो ये पूरा इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। अब डिस्क्राइबिंग एलिमेंट वही है जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कबाड़ में हड्डी। तो ये करता क्या डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, कि हमको आपको कंफ्यूज करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया जाता है डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, किस काम के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच दूरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं और सब्जेक्ट को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वर्ब में करेक्शन ठीक से नहीं कर सके, ठीक है। चलिए तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। अब देखिए ये यूज, ये क्या है, वर्ब है। इस काम को कौन कर रहा है भाई, यूज टू सिंग सॉन्ग, ये गाना गाने का काम कौन करता था, प्रशंसा करने का काम कौन करता था, तो ये राधा करती थी, ये यहाँ पे क्या है, डूअर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये विच से लेके ऑन द टेबल यहाँ तक का जो पार्ट है, ये फिर डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, किसका, फ्लावर पॉट का। अब यहाँ देखिए इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक है, कौन है भाई, तो फ्लावर पॉट है, यानी इस सेंटेंस में इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका पुराना डेफिनेशन था, बचपन का पढ़ा हुआ डेफिनेशन था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेस कि ये कहाँ कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले इसका प्लेस क्या है भाई, तो इसका प्लेस है कि ये किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है, किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, यानी कि ये स्टार्टिंग में आ सकता है, बिगिनिंग में आ सकता है, इनिशियल में आ सकता है, एक ही बात है, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस के मिडिल में आ सकता है और ये किसी भी सेंटेंस के एंडिंग प्लेस में भी आ सकता है, हमेशा नहीं होता, बट कभी कभी ये एंडिंग पोजीशन में दिखाई देता है, कभी कभी ये मिडिल पोजीशन में दिखाई देता है, और बिगिनिंग या इनिशियल या स्टार्टिंग प्लेस में, ये तो आप बचपन से जानते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम सब्जेक्ट था, राम कहाँ था, सेंटेंस के बिगिनिंग में था, स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप भली भांति जानते हैं। अब यहाँ से इन सबों का एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि यहाँ जो आपके कंफ्यूजन है ये आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राधा, राधा हु इज अ डिवोटी, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट फिजिकली, नॉट
present physically at present in this world. अब देखिए सेंटेंस में ये जो राधा है ये हमारी सब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट पहचानना तो सीख ही गए हैं। ये यहां से लेके कृष्णा तक ये क्या है भाई, तो ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है जिसको ए पॉजिटिव यूज या ए पॉजिटिव कहते हैं हम लोग। और ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। चर्चा किसके बारे में की जा रही है, तो इसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इनिशियल में स्टार्टिंग में, ठीक है। अब एक मिडिल वाला होना चाहिए, तो चलते हम लोग अगले स्लाइड में। और मिडिल वाले का एक एग्जाम्पल है, इन हर स्कूल डेज माय गर्लफ्रेंड यूज्ड टू वियर सनग्लासेस, ठीक है। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में जरा आप चेक कीजिए सब्जेक्ट कहां पे है। सनग्लासेस पहनने का काम ये वर्ब है, इसको करने वाला कौन है भाई, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कहां पे यूज किया जा रहा है, तो सेंटेंस के मिडिल। सब्जेक्ट कहां आया है, सेंटेंस के मिडिल में। एक एंडिंग वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने बचपन से एक सेंटेंस पढ़ा है, और एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा है, और ये आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सब लोग इसको जानते हैं। देयर वाज अ किंग। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये बॉब है। ये क्या है, तो कम से कम नाम तो ये आपको पता है। और आप ऐसे कई बच्चों को, यदि हिंदी मीडियम से होंगे और इंग्लिश इनका बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे कई बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि ये लगता है कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो देयर से शुरू होता है, इसमें इसका जो सब्जेक्ट होता है, देयर के बाद जो वर्ब होता है, इस वर्ब के बाद यहाँ जो भी नाम या प्रोनाउन यूज किया जाता है, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे यदि किंग की जगह किंग्स कर दे, और किंग की जगह यदि हम यहाँ किंग्स कर दे, तो यहाँ वॉच की जगह यूज करना होगा वर्ब। वॉच की जगह क्या यूज करना होगा, वर्ब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और थोड़ा और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये मिडिल और एंडिंग तक का कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि क्या इनको पहचानने का इनका कोई ट्रिक भी है। सॉरी, रिकॉर्डिंग में माइक लगाना भूल गए थे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब इनको पहचानने का क्या कोई ट्रिक भी होता है, बिल्कुल है। देखिए यदि आप सेंटेंस में कुछ ज्यादा नहीं पकड़ पाते, तो कम से कम वर्ब तो आप पहचान ही लेंगे। तो आप सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को पकड़िए, और इसके साथ आप क्वेश्चन अटैच करेंगे, हु या व्हाट। क्या अटैच करेंगे, हु या व्हाट। और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा, आपके इस हु या व्हाट का जो भी आंसर देगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट। अब हु का यूज करते हैं हम लोग लिविंग सब्जेक्ट के लिए, और व्हाट का यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए। इस बात को आप ठीक से समझिए, हु का यूज करते हैं फॉर लिविंग, व्हाट का यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, आइए इनका यूज करके हम लोग अभी तक जितने एग्जाम्पल लिए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स पे ही पहले ट्राई करते हैं, और इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, आज सब्जेक्ट को पहचानने का जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप आज से ही या अभी से ही, जैसे ही इस क्लास को आप देख लेंगे, इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप तुरंत बाद कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन कुछ भी उठाइए, और उसमें सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका अभी अभी हम जो आपको बता रहे हैं, इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और फिर यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल के पूछ सकते हैं,
हमारा डाउट सेशन भी है वेबसाइट पे, आप वहाँ भी डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पीछे के कुछ स्लाइड में और यहाँ से हम लोग लगाना सीखते हैं। सबसे पहले यहीं पे आइए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। हु वॉज देयर, हु वॉज देयर, आंसर क्या मिला? अ किंग। हु वॉज देयर, तो हु का आंसर क्या मिला हमें? अ किंग। तो किंग क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। किंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु यूज टू वियर सन ग्लासेस, वियर सन ग्लासेस कौन पहना करता था? हु, आंसर क्या मिला? माई गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट फिर चलते हैं इससे पहले के क्वेश्चन में, यहाँ पे अटैच करें। हु इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली, क्या मिला? राधा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब फिर नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन में हम अप्लाई कर लें। व्हाट इज वेरी अट्रैक्टिव, तो आंसर क्या मिला? फ्लावर पॉट। व्हाट इज वेरी अट्रैक्टिव, आंसर क्या मिला? फ्लावर पॉट। यहाँ पे चेक कर लें हम लोग। हु यूज टू सिंग सॉन्ग्स, कौन गाना गाया करता था भाई अपने भगवान के प्रशंसा में? आंसर क्या मिला? राधा। सॉरी, आंसर क्या मिला? राधा। तो राधा क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को और गिवन क्वेश्चन में, गिवन सेंटेंसेस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचानना सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। अब एक और आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसके बाद आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सब्जेक्ट वर्ब के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में जो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलते हैं, तीन लाइन, चार लाइन एंड सो ऑन, तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम लोग कैसे, या ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस में हम लोग कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, अब आइए इसका टेक्निक हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ब को पहचानते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या आपका मेन वर्ब हो। ठीक है, आप इस सेक्शन को पहचान लेते हैं। तो वर्ब के बाद यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, एन फॉर नाउन, पी आर ओ फॉर प्रोनाउन। ठीक है, तो किसी भी वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो जनरली सामान्य तौर पे इसका ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, या इसी को हम लोग सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। तो एलिमिनेशन प्रोसेस कह लें हम लोग, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए, तो वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, और सिमिलरली कोई भी प्रेपोजिशन हो, क्या हो? प्रेपोजिशन हो, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है ये सामान्य तौर पे इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सामान्य तौर पे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन द सेम वे किसी भी प्रेपोजिशन के बाद सामान्य तौर पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, मोस्ट को छोड़कर, अ लॉट ऑफ को छोड़कर, कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है सामान्य तौर पे वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, अर्थात कि ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। अब आपके मन में कुछ डाउट क्रिएट होगा कि सर ये क्या बताए जा रहे हैं आप, ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो जैसे इसके पहले, इसके जस्ट पहले हमने आपको जो एक टेक्निक बताया था कि वर्ब के साथ व्हाट या हु को अटैच कर देना है, क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन का जो आंसर देता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। सिमिलरली आपको ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया इसको यूज कर सकते हैं आप बड़े बड़े सेंटेंसेस पे। ठीक है, तो आइए हम भी कुछ बड़े सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले इस टेक्निक का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। इसके पहले जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज, उन सभी क्वेश्चंस पे इनको हम लोग अप्लाई करके देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे टेक्निक सही हैं या नहीं। सबसे पहले यहीं पर हम लोग शुरू करें। राधा, हु इज, राधा एक नाउन है, ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है दो ही चीज़ होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे थोड़ी देर बाद। अब ये देखिए, इज क्या है? वर्ब है।
फेमस एज अ डिवोटी। अब ये वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक से आप समझिएगा भाई, ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा है तो ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ये यूज्ड क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद इधर सिंग सॉन्ग्स आया, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद प्रेज है, ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा। ये ऑफ प्रेपोजिशन है। इसके बाद इधर हर गॉड है, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, हु और राधा। और हु का यूज किसके लिए किया गया, राधा के लिए। हु है प्रोनाउन और राधा हो गया नाउन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या मिला, राधा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम आएंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस पे भी, जैसा कि आपको न्यूज़पेपर में मिलता है थोड़ी देर के बाद, इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फ्लावर पॉट नाउन है, ठीक है। विच, ठीक है। ये इज क्या है, वर्ब है। ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। टेबल क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर देखिए इज क्या है, वर्ब है। उस वर्ब के बाद यहाँ वेरी अट्रैक्टिव है, ये सब कुछ भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ये नाउन है भी नहीं, नाउन होता तो हम कंसिडर भी करते, लेकिन ये कंसिडरेबल ही नहीं है। वर्ब के बाद यदि यहाँ कोई नाउन लिखा भी होता तो भी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। बचा क्या, विच और द फ्लावर पॉट। विच का यूज किसके लिए किया गया, फ्लावर पॉट के लिए। ये है प्रोनाउन और ये है नाउन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्लावर पॉट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन पे चले हम लोग, जो हम लोगों ने डील किया है, जिसको हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे राधा, हु इज के बाद ये डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब ये चूंकि वर्ब के बाद डिवोटी आ रहा है, डिवोटी नाउन होता है, चूंकि वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑफ के बाद कृष्णा है, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आया है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये इज के बाद प्रेजेंट फिजिकली, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ये नाउन है भी नहीं। एट प्रेपोजिशन, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये इन प्रेपोजिशन, इसके बाद इधर जो नाउन आया है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, राधा और हु का यूज किया गया राधा के लिए। हु है प्रोनाउन, राधा है नाउन। हमारा सब्जेक्ट क्या मिला, राधा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर इन सारे क्वेश्चंस में देख ले, इन क्या है, प्रेपोजिशन है। ये स्कूल डेज क्या है, नाउन है। बट चूंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं इसलिए ये स्कूल डेज हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। माय गर्लफ्रेंड में भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यूज्ड क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या रहा है, सनग्लासेस। और ये वियर क्या है, वर्ब है। तो एक वर्ब है, बीच में प्रेपोजिशन टू भी है, ये वियर है, वियर वर्ब है। वर्ब के बाद सनग्लासेस आ रहा है, ये नाउन है। चूंकि ये नाउन सन ग्लासेस वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा माय गर्लफ्रेंड, इसलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ, और उस स्लाइड में कुछ बड़े सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेते हैं, और बड़े सेंटेंसेस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी जो सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को सीखा, एलिमिनेशन मेथड को सीखा, इसका यूज हम कहाँ तक कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये एक थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस आपको दिख रहा है, जिसको बोलचाल की भाषा में ये सामान्य तौर पे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ले पेटिट रॉबर्ट। ये एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रांस से इसका कनेक्शन है। तो फ्रांस में अभी एक वर्ड है ये ईएल, इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ है, तो उसी से लिया गया आपके एडिटोरियल का ये लाइन है। तो चूंकि ये सेंटेंस देखिए थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से उस रूल को एक बार, इन सारे क्वेश्चंस पे हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके अभी अभी जो एलिमिनेशन मेथड हमने आपको बताया या अभी हमने जितने भी मेथड बताए सब का आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली लास्ट वाले रूल का, एलिमिनेशन मेथड का आप जरूर यूज़ कीजिए, सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड का आप जरूर यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसको खुद से ट्राई किया होगा। अब ऐसे लास्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे पेन के कलर को थोड़ा हम चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, ये एक नाउन है, ठीक है। अब ये वन क्या है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ऑफ। ऑफ के बाद ये आया, हम इसको कई तरीके से बताएंगे,
और हम चाहेंगे कि इसको एक से ज़्यादा बार भी बताएं, इसमें कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पेन का कलर भी हमें कई बार चेंज करने को मिलेगा, ठीक है, यह करना पड़ेगा। अब देखें, ये ऑफ के बाद आ रहा है लीडिंग फ्रेंच डिक्शनरीज। अब चूंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आ रहा है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हम इसको काट रहे हैं। फिर देखिए हैज़ एडेड, एडेड क्या है वहाँ पे, वर्ब है, वर्ब है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब ये ईएल जो है, ईएल को कह सकते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अ कॉम्बिनेशन, तो ये भी चूंकि उस एडेड के बाद आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब फिर ये देखिए ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये जो मैस्कुलिन इल आ रहा है एंड द फेमिनिन एल आ रहा है, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप। फिर ये देखिए इन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये आ रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब फिर देखिए यहाँ फिर से प्रेपोजिशन इन है, इसलिए ये एफर्ट नाउन होते हुए भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब ये बी क्या है, वर्ब है, मोर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो नाउन तो आएगा ही, तो इंक्लूसिव ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये प्रेपोजिशन ऑफ के बाद दो प्रोनाउन है, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद ये आ रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। और इस हु का यूज़ किसके लिए किया गया, दोज़ के लिए किया गया। अब यही सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट है सिर्फ इसका, हु का, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये वन, पेन का कलर थोड़ा हम चेंज करें। चलिए पिंक लेते हैं, ये वन बचा क्या हमारे पास, ये वन, ये वन किसके लिए आया, लू पट्टी रॉबर्ट के लिए, ठीक है। तो इनके लिए ये यूज किया गया, इसको फ्रेंच में ऐसे ही पढ़ते हैं, ले नहीं बल्कि इसको पढ़ते लू, लू पट्टी रॉबर्ट, ऐसे पढ़ा जाता है इसको फ्रेंच में, ठीक है। खैर चलिए, तो ये नाउन था। अब हमारे पास बचा क्या, ये, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये बात समझ में आई। दूसरे शब्दों में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये वीडियो आपके पास रहेगा ही, आप इसको बार बार यूज़ करके देख सकते हैं। इसको एक बार और हम फिर से बताना चाह रहे हैं, तो इन सबों को हम क्लीन करते हैं, और क्लीन करके हम फिर से आपको थोड़ा सा एक बार फिर इसको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे इससे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है। और यहाँ से लेके डिक्शनरीज, ये लू पट्टी रॉबर्ट वन ऑफ द लीडिंग फ्रेंच डिक्शनरीज हैज एडेड द वर्ड ईएल अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैस्कुलिन एल एंड द फेमिनिन एल, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन इट्स ऑनलाइन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये पूरा का पूरा ए पॉजिटिव यूज है, ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव है, इसको थोड़ा ठीक से आप देखें, या आपको लंबा सा लगे, बड़ा सा लगे ए पॉजिटिव यूज, तो थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये नाउन हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये ए पॉजिटिव यूज हो गया, या हम कहें कि ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। अब ये जो ईएल है, इसके बारे में फिर ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, इसीलिए हमने आपको बताया था, इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे के पूरे क्या हो गए, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गए। अब चूंकि जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है, कोई भी डिस्क्राइबिंग एलिमेंट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, या नाउन इन ए पोजिशन नाउन जो यूज किया जाता है, अशोका द ग्रेट, उसमें द ग्रेट कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को आप ठीक से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब फिर इधर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन है,
चूंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और फिर देखिए ये इंक्लूसिव हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑफ प्रेपोजिशन के बाद दोज प्रोनाउन है ये आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और इसी दोज के लिए यूज किया गया है हु इसलिए ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये वर्ब है और चूंकि ये सारे वर्ब के बाद आ रहे हैं इसलिए वर्ब के बाद आने के कारण ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब आप ध्यान से देखिए अपने पास बचा क्या, तो अपने पास बचा केवल लू पेटी रॉबर्ट, समझ में आया। आप इस तरीके से भी इसको अर्थात इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी इस तरीके से सब्जेक्ट ब्रेकिंग मेथड सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड या एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर हम लोग चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऊपर लगा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन, बैरिंग पॉलिटिकल कैटेक्लिज्म। अब ये पॉलिटिकल कैटेक्लिज्म एक कंपाउंड नाउन है, मतलब एक से ज्यादा शब्द एक साथ मिलके यदि नाउन का काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब ये बैरिंग का मीनिंग क्या है, बैरिंग का मीनिंग होता है के सिवाय के अतिरिक्त को छोड़कर, के सिवाय के अतिरिक्त को छोड़कर। तो बैरिंग यदि किसी सेंटेंस में यूज किया जाए और उसका मीनिंग हिंदी में निकले के सिवाय के अतिरिक्त को छोड़कर, इन एडिशन टू के सेंस में, ठीक है, बट एक्सेप्ट के सेंस में, तो यही काम करता है प्रेपोजिशन का। तो ये हो गया प्रेपोजिशन। अब चूंकि बैरिंग काम कर रहा है प्रेपोजिशन का, चूंकि बैरिंग काम कर रहा है किसका, प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने के कारण ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ चले, एरिक लीरोय एडम्स, ये किसी का नाम है, अ फॉर्मर पुलिस कैप्टन। अब ये देखें, ये फिर इंफॉर्मेटिव है जिसको हम लोग डिस्क्राइबिंग एलिमेंट कहते हैं या ए पॉजिटिव यूज कहते हैं। अब ये वर्ब है, वर्ब के बाद बिकम न्यूयॉर्क सिटीज, चूंकि ये बिकम वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब के बाद ये भी आ रहा है ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये एरिक लीरोय एडम्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, यदि यहाँ पे समझने में आपको थोड़ी सी भी असुविधा हो तो इस वीडियो को बार बार बैक करके या बार बार प्ले करके देखिएगा। देखने के बाद हम आशा करते हैं कि आप सबों को जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता था वो शायद दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अब इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारा बचा है उसकी तरफ, इसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक में। तो अब फिर चलते हैं इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है, चूंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब फिर देखिए ये जो एडम है, एडम के बारे में बताया जाए, ब्रुकलिन्स करिस्मेटिक ब्यूरो प्रेसिडेंट। अब ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कैंसिल हो गया। अब एंड द डेमोक्रेटिक नोमिनी, ये पूरा का पूरा एंड द डेमोक्रेटिक नोमिनी फॉर मेयर, मेयर नाउन है बट ये प्रेपोजिशन के बाद है, और ऐसे भी ये पूरा का पूरा अर्थात ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, और डिस्क्राइबिंग एलिमेंट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। तो हमारे पास बचा हुआ विनिंग द जनरल इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये देखिए ट्यूजडे आ रहा है, तो चूंकि ऑन प्रेपोजिशन है, ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ट्यूजडे नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लाइकली नाउन या प्रोनाउन नहीं है इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब ये वर्ब बी के बाद फिर से ये नाउन आ रहा है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब हमारे पास जरा ध्यान से देखिए बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा विनिंग द जनरल इलेक्शन। तो ये पूरा का पूरा विनिंग द जनरल इलेक्शन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कभी बिगिनिंग में आता है कभी मिडिल में आता है, तो मिडिल में ये आया हुआ है। तो यहाँ पे था या यहाँ तक था हमारा सब्जेक्ट का कहानी, सब्जेक्ट की कहानी यहाँ पे समाप्त होती हुई नजर आती, अभी हुई नहीं है। अब फिर से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे।
तो अब इसके बाद आप में से कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर अभी अभी आपने बोला कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो केवल नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, अर्थात दो ही वर्ड हो सकता है, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करते चले। आप में से कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है सर हमने तो पढ़ा है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब जरा यहां पे देखिए हम लोग क्या करें, ये टू वॉक क्लियर कट दिख रहा है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग है क्या, ये वर्ब है। ठीक है, अब चूंकि चर्चा किसकी हो रही है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आपके क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, ये दे रहा है, इसलिए काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ये है वर्ब और काम कर रहा है नाउन का, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग वर्ब नहीं कहते हैं, बल्कि इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू वॉक की जगह हम वॉकिंग लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आप लिख दीजिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सॉरी वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब जरा आप यहां पे देखिए, इस सेंटेंस में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या है भाई, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसमें यूज किया गया है। और आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, ये चर्चा का विषय क्या है, ये सेंटेंस में चर्चा किसकी हो रही है, इसकी, इसलिए ये काम किसका कर रहा है, फिर से ये काम कर रहा है हमें सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ये है वर्ब, काम कर रहा है किसका, नाउन का। ठीक है, तो इस केस में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जीरट। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि WH इंटरोगेटिव वर्ड भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है या कर सकता है, कोई क्लॉज हो वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। आइए एक दो उसका एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग आगे निकलते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं व्हाटएवर सी सेज इज करेक्ट, व्हाटएवर सी सेज इज करेक्ट। अब आप यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये वर्ब है, व्हाट इज करेक्ट, आंसर क्या मिला, व्हाटएवर सी सेज। अब देखिए क्लॉज क्या होता है, इन अ ब्रीफ हम आपको समझाते चले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट न करे, अधूरा अर्थ स्पष्ट करे, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। तो ये है यहाँ पे क्लॉज, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर द गिवन क्वेश्चन is correct। अब यहां फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है आपका, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, और आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कीजिए इस वर्ब के साथ अटैच करके, व्हाट इज करेक्ट, द गिवन क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही, बात समझ में आ रही है।
अब यहाँ पे द गिवन क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है ये सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है। इसी प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसका, हु लव्स यू, ठीक है, ये यहाँ किसका काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है ये सब्जेक्ट। बातें समझ में आई, तो ये थी हमारे सब्जेक्ट की कहानी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में हम जाना नहीं चाहते सब्जेक्ट को लेकर के, तो अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करते चले। तो अब तक हमने देखा, या हम लोगों के दिमाग में सेंटेंस वर्ड सुनते ही ये जो फॉर्मेट नज़र आता है, इसका जो इमेज हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है, इसमें से इस वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा, अब बारी है इस ऑब्जेक्ट के, तो आइए ऑब्जेक्ट को सीखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन की बात कर लें, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है भाई, इसके बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा है, सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित होता है, या किसी भी वर्क से, किसी भी काम से जो प्रभावित होने वाला व्यक्ति या वस्तु होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, यही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीटन राम, सी हैज़ बीटन मी, वगैरह वगैरह, तो मी, सी हैज़ बीटन मी में मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप बचपन में पढ़े थे, अब आप एकेडमिक सेशन में नहीं है कि इतने आसान से कॉन्सेप्ट आपसे कभी पूछे जाए। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई गेव माई सॉरी इसको काटते हैं हम लोग, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही हैज गिवन हर अ फ्लावर, ठीक है। इस सेंटेंस में जरा आप ध्यान से देखिए, हम फिर से कलर चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, काम का करने वाला है, डूअर है, जो आप बचपन से पढ़े हैं, ये क्या है हमारा वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में जरा आप ध्यान दीजिए, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हर है, अच्छा ये हर कैसा है, लिविंग है, और ये फ्लावर क्या है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है नॉन लिविंग है, और ये क्या है लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनकी जरूरत आपको वॉइस में पड़ती है, ठीक है। अब ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, किसी भी सेंटेंस में यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट गिवन हो तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीख लिया। अब एक और कन्फ्यूजन है, यहाँ से या यहाँ तक में हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दो ही चीज़ होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, और सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। अब एक और कन्फ्यूज़न होता है आपके माइंड में, चलिए हम आज उस कन्फ्यूज़न को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज अ टीचर, ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लें प्रोनाउन का यूज़ करके, सी इज अ प्लेयर, ठीक है। अब यदि हम आपसे पूछें या आप में से किसी भी बच्चे से पूछें कि भाई आप बताइए कि ये राम क्या है, तो सारे बच्चे बोलेंगे सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं। लेकिन इसके बारे में यदि हम आपसे पूछें कि ये अ टीचर, ये प्लेयर, ये क्या है बताइए, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या आएगा भाई, आप पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप सब लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें यहाँ पे आपको बताते हैं,
ये क्या है? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा, सर ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब के बाद जो आता है वो जनरली उसका ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश में कुछ भी हमेशा नहीं होता है, इंग्लिश में कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज चेंजेबल। और ये केवल इंग्लिश में नहीं होता बल्कि दुनिया के सभी भाषाओं में होता है। आप हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, या कोई भी दुनिया का भाषा पढ़ते हो, बांग्ला पढ़ते हो, या कोई भी भाषा पढ़ते हो, सभी भाषाओं में ऐसा आपको देखने को मिलता है। वर्ड एक ही होता है, उसका प्रयोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में अलग अलग सेंटेंसेस में होता है, और एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में निकलते हैं। ये सभी भाषाओं की दुविधा है, या कहें कि ये सभी भाषाओं की सुंदरता है, ठीक है। तो जो नहीं जानता है उसको वहाँ पे दुविधा होती है, हडल्स होता है, डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है, ठीक है। और जो उस चीज़ को पकड़ लेता है, उस चीज़ को जान जाता है, वो उसके साथ खेलना शुरू करता है और वो आगे चल के एक बड़ा स्पीकर बनता है, एक बड़ा ही अच्छा वक्ता बनता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग थोड़ा हम लोग करेक्शन कर लें, ये आई की जगह हम लोग ई लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके साथ हो गया कि सर ये आप क्या पढ़ा है। ये वही बात है जैसे हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना आपके सामने शुरू किया था, सब्जेक्ट के बारे में नई नई बातें हमने आपको बतानी शुरू करी थी, तो आपको परेशानी होती है। इन द सेम वे यहाँ पे आके आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये है क्या, ये सर आप क्या बता गए और ये है क्या, इसमें क्या कन्फ्यूजन है। अब इसको थोड़ा हम लोग सीखें, इस कन्फ्यूजन को भी हम हमेशा के लिए दूर करते चले। देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये कभी सेम नहीं हो सकता, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यदि कहीं भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। अब आप फिर कंफ्यूज कर गए, ये क्या पढ़ाने लगे सर। अब इसके लिए हम फिर चलते हैं पीछे वाले स्लाइड में और यहाँ पे आपको समझाना शुरू करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले ही लेते हैं, ही हैज बीटन मी, ही हैज बीटन मी। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ये क्या है? मी, ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, आप ध्यान से इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या? नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहां जरा देखिए, राम इज अ टीचर, हम आपसे पूछे हु इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। अब जरा आप यहां ध्यान से दीजिए, देखने समझने का प्रयास कीजिए, राम और टीचर दोनों एक ही है या अलग अलग है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? ये जो सी है, लड़की है, स्त्री है, महिला है, जो भी है, फीमेल तो है। अब ये जो फीमेल है, सी है, वही तो प्लेयर है। तो जो सी है वही प्लेयर है, जो प्लेयर है वही सी है, जो टीचर है वही राम है, जो राम है वही टीचर है। तो यदि ये और ये दोनों सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है वर्ब के बाद। कहाँ? वर्ब के बाद। कहाँ यूज किया जाता है? वर्ब के बाद। जैसे ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा जाता है, इन द सेम वे कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया जाता है वर्ब के बाद। ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपका ये जो सब्जेक्ट, पेज को चेंज करते हैं, इस प्रकार से आज के क्लास में आपका यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इसके 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 रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन थे, वो हम आशा करते हैं कि आज के क्लास में क्लियर हो गए होंगे। और इसको आप कहीं भी किसी से भी कंपेयर करें ना करें, आप इन सभी टेक्निक का यूज़ अपने पेपर को सॉल्व करने में ज़रूर करेंगे। और आज के क्लास में हमने आपको यहाँ तक में, क्लास अभी एंड नहीं हो रहा है, यहाँ तक में हमने आपको जो भी बातें बताई,
ये सारी ही बातें आप पूरे इंग्लिश के सेक्शन को जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भी इंग्लिश आपके साथ अटैच होगा, या पास्ट में रहा हो, अभी हो रहा हो, या फ्यूचर में होगा, सभी जगहों पे ये चीज़ें अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। और हम आपसे आशा रखते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके खुद को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और जो भी डाउट होंगे उसको आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग या मैं खुद आपकी मदद जहाँ तक हो सके वहाँ तक करने का प्रयास करूँगा। अब इसके बाद चलिए, चूँकि आज के क्लास में हमने आपको कहा था, इनिशियल का जो हमारा लाइन था, स्टेटमेंट था, उसमें हमने आपको कहा था कि आज के क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे भाई? तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इनको थोड़ा सा हम लोग समझना शुरू करते हैं, ये है क्या, होते क्या हैं। देखिए, सेंटेंस का नाम लेते ही हमारे आपके ब्रेन में ये जो इमेज छप जाता है, इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है, एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है। अब जैसे हमारे आपके समाज में किसी भी स्त्री और पुरुष की, लड़के लड़की की शादी होती है, तो चाहे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, सोसाइटी तो मिलेगी ही, ठीक है। जाति धर्म कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उन्हीं की शादी होती है। अब अंग्रेजों से, वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग अपनी तुलना न करें, जहाँ पे दो पुरुष या दो महिलाओं में भी शादियाँ होती हैं, हम लोग उससे दूर रखते हैं अपने आप को। नॉर्मली जो होता है, जो ट्रेंड है, वो एक मेल एक फीमेल के बीच में होता है, इन द सेम वे यहाँ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इस सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, और एग्रीमेंट है वन साइडेड, जैसे कि पुराने ज़माने के हिंदी फिल्मों में आपको देखने को मिलता था, शोले वगैरह में, या और भी पहले के फिल्मों में आप चले जाएं तो हीरो बैठा होता था, हीरोइन डांस करती थी, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल लड़की के अकॉर्डिंग लड़का भी चेंज करता है। पढ़े लिखे सोसाइटी में मतलब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम मेल हो हम फीमेल हैं, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो एग्रीमेंट है वन साइडेड है, वन साइडेड मतलब सब कुछ चलेगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसकी दादागिरी चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी भाषा में यदि हम लोग बात करें तो इसको, ये यदि मान ले हीरो है, इसको यदि पसंद हो कि ये कथकली करे तो ये कथकली करेगा, इसको यदि भंगड़ा पसंद हो तो ये भंगड़ा करेंगे। बात समझ में, बोलचाल की भाषा में समझने के दृष्टिकोण से इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अर्थात इसको यदि हम लोग रूल के तौर पर पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, समझना चाहें, तो हम लोग कह सकते हैं लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब। जैसे हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं, लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स, जैसी राजा वैसी प्रजा, इन द सेम वे सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, क्लास अपना लंबा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लंबा इसको करना नहीं है। जैसे हम लोग लेते हैं ही प्लेज, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं दे प्ले। अब देखिए, आज ही के क्लास में हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए प्ले में इस लगा दिए, वर्ब में इस लगा के उसको बनाते हैं सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया। दे कैसा है, प्लूरल, और वर्ब में सी एस नहीं लगा है, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में या वर्ब बाय बर्थ होता है प्लूरल, ये हमने आज ही के क्लास में आपको बताया था। और ये वर्ब कैसा है भाई, तो ये वर्ब है प्लूरल। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ के बाद की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हम इसको शुरू किए। अब अगले क्लास में अगला हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही होगा। ये हमारा जो फर्स्ट क्लास था ये फंडामेंटल के इंट्रोडक्शन से था,
चूंकि फंडामेंटल चीज़ें जो आज हमने आपको बताई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इनको जानना चाहिए और इनका जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इनको जानना ही चाहिए, इनको समझना ही चाहिए, ये हम लोगों को आना ही चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं और ठीक से आपको समझ में आई होंगी और इनसे आप बेनिफिटेड होंगे। इन्हीं वक्तव्यों के साथ हम आज के अपने इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं आज के क्लास को। और हम आशा करते हैं कि इनको आप दो चार बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके हमारे अगले वीडियो सेशन को देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।